Welcome to all in my maths class. Students, today we will do extra questions of 3D, यानी lines and planes के extra questions आज हम करेंगे. तो answers type of questions comes in your board exams. So let us take our first question. It is find perpendicular distance of the point 100 from this line x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 by minus 3 is equal to z plus 10 by 8. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्शन ऑफ द लाइन व्हेन एवर द लाइन इज गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म, डायरेक्शन ऑफ लाइन कहां पर होती है वो होती है आपकी डिनोमिनेटर में. लेकिन सबसे पहले अगर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन दिया है, चेक वेदर इट इज गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपको क्या चेक करना है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स प्लस 1 होने चाहिए, जो कि है. इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. आप इसके बाद कभी भी आपको कभी देखो पॉइंट निकालना है यहाँ पर फाइंड. यहाँ फिगर देख लीजिए आप, फिगर में बिल्कुल जैसा कि क्लियर है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉइंट है जहां से हमें इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, यानी P से लेके M तक का ये डिस्टेंस निकालना है. देखो प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस का फॉर्मूला तो है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. लेकिन देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें ये जो P पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इस लाइन पर, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी पॉइंट M ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो अब ये पॉइंट M जो है इट लाइज ऑन द लाइन, आपकी जो लाइन गिवन है उसके ऊपर लाई कर रहा है. तो इसका मतलब हमें ये लाइन का, ये जो हमारी लाइन दी है इसका पॉइंट निकालना है. ध्यान रखिए जब भी हमें लाइन का पॉइंट निकालना है कार्टेशियन फॉर्म में, अगर ये वेक्टर में भी होता तो हम इसको कार्टेशियन में ही लिखते. कार्टेशियन में लिखने के बाद अब हम इसका पॉइंट निकालेंगे कैसे, ये देखिए जनरल पॉइंट निकालेंगे. ये जनरल पॉइंट का मतलब एनी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन. तो ये देखिए कैसे x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा है, तो x किसके इक्वल हो गया 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है ना. ये देखिए x कितना आ गया 2 लैम्डा प्लस 1, ये पॉइंट m. क्योंकि ये जब एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन है तो m आल्सो लाइज ऑन द लाइन, तो लैम्डा की किसी ना किसी वैल्यू के लिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये पॉइंट m आ जाएगा, यानी हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है. ऐसे ही आप यहां से y कैलकुलेट करेंगे, फिर ये z कोऑर्डिनेट पॉइंट m का कैलकुलेट करेंगे. अच्छा अभी आप ये देखिए कि ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन क्या है, 2 माइनस 3 एंड 8, ये रही 2 माइनस 3 8. अब एक चीज आप यहां पर देखिए, ये जो PM है, ये जो PM है और ये जो लाइन है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर. PM का डायरेक्शन रेशो भी हमने निकाला, क्या निकाला है, क्योंकि सॉरी लाइन का डायरेक्शन रेशो आपने निकाल लिया 2 माइनस 3 एंड 8, ये लाइन का डायरेक्शन है. और जो PM है उसके दो पॉइंट्स पता है P एंड M, तो उसकी डायरेक्शन रेशो निकालने में कोई दिक्कत नहीं. M पॉइंट हम निकाल चुके हैं, P पॉइंट हमें दिया हुआ है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू विल गेट द डायरेक्शन रेशो ऑफ PM आल्सो. तो वही हम करेंगे यहाँ पर, हम PM की डायरेक्शन रेशो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर निकालेंगे. कैसे निकालते देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमने PM की डायरेक्शन रेशो कैसे निकाली है, P और M को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि M पॉइंट ये था, P पॉइंट ये है, तो PM M माइनस P यानी 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, ठीक है. फिर उसके बाद माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 0, 8 लैम्डा माइनस 10 माइनस 0, तो ये PM की डायरेक्शन रेशो आ गई. अब हमें दिया है कि ये जो लाइन थी और ये जो PM है ये आपस में परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये PA है, ठीक है. जब ये परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 इनकी डायरेक्शन रेशोस का प्रोडक्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशोस का प्रोडक्ट का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 0. सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है. तो लाइन का डायरेक्शन रेशो आप निकाल ही चुके हैं पहले, ठीक है, और उसको आप इस PM की डायरेक्शन रेशो से मल्टीप्लाई करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए. लैम्डा की वैल्यू आ गई, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए एम में, एम पॉइंट आ गया, एम पॉइंट आ गया ना. जब आपके पास एम पॉइंट आ जाता है उसके बाद देखिए अगर हम ऊपर जाते हैं तो देखिए
एम पॉइंट आ गया, पी पॉइंट आपके पास गिवन है, एम पॉइंट आपका आ गया, टू पॉइंट फॉर्म से, टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला से आप पी एम जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। देखिए आपने एम निकाल लिया पॉइंट, और उसके बाद आपने पी एम टू पॉइंट जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उससे यू कैन फाइंड आउट इट इजिली। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन विच इज दिस लाइन इज गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म, और इस लाइन से एक पॉइंट जो कि है डिस्टेंस थ्री रूट टू पर फ्रॉम दिस पॉइंट वन टू थ्री। देखो आपको क्या करना है, ये दिया है कि ये लाइन दी है, चलिए हम फटाफट से एक लाइन यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये लाइन दी हुई है, दिस लाइन इज गिवन टू अस, x plus 2 by 3 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z minus 3 upon 2, ये लाइन दी है, और उसने बोला है कि find point on the line, इस लाइन पर एक पॉइंट फाइंड आउट करो, ठीक है, which is at a distance 3 root 2 from the point 1, 2, 3, 1, 2, 3 से इसकी डिस्टेंस, ये पॉइंट है 1, 2, 3, अगर सपोज करो ये पॉइंट 1, 2, 3 है, और इस 1, 2, 3 से, इस 1, 2, 3 से मान लो ये पॉइंट M है मेरा, ठीक है, इस पॉइंट 1, 2, 3 से इसकी डिस्टेंस जो है वो ये पॉइंट मैंने ले लिया P जो मेरा गिवन है, और इसकी डिस्टेंस है 3 रूट 2, तो ये मुझे निकालनी है, तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं है। अब ये मेरी जो लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है एक्स प्लस 2 by 3 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z minus 3 upon 2, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इस लाइन की डायरेक्शन तो यही हो गई, ये वाली लाइन की डायरेक्शन तो यही है, ठीक है। अब मुझे ये पॉइंट M निकालना है, बिल्कुल जी ये पॉइंट M निकालना है। अब ये पॉइंट M निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे अभी पहले किया था, इज इक्वल टू लैम्डा कर दीजिए, इसको इज इक्वल टू लैम्डा कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा करने के बाद आपका एक्स वाई जेड ये आ जाएगा, मींस ये पॉइंट एम, क्योंकि ये लाइन से आप पॉइंट निकाल रहे हो, तो ये लाइन पर ही पॉइंट एम लाई करता है, तो आपका पॉइंट एम इजिली आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए आपने ये पॉइंट यहाँ से ये लाइन लिया, लाइन से आपने ये पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, ये पॉइंट एम आपके पास आ गया, और आपको क्या बोला गया है, पी से लेके जो एम आ है, ये जो एम है इसकी डिस्टेंस थ्री रूट टू है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, पी से एम तक का डिस्टेंस फॉर्मूला, ये देखिए यहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, ये देखिए पी से एम तक का, ठीक है, पी पॉइंट क्या है 1, 2, 3, और एम पॉइंट क्या आया है ये, तो दिस माइनस ये 1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ऐसे दिस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है y कोऑर्डिनेट 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू 3 रूट 2 गिवन टू यू। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आपने सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करके आपने लैम्डा की वैल्यू निकाली, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद आप इसमें पुट कर दीजिए, यहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आ जाएगा, ठीक है जी, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा अभी हम अगला देखते हैं, व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, इन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी पॉइंट M जैसे हम निकाल रहे हैं वो भी निकालना, एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 5 4 2 टू द लाइन दिस, एंड ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट P इन द लाइन, ठीक है। तो अभी मैं इसकी अगर फिगर बनाती हूँ, तो ये मेरी लाइन दी हुई है, मैं हमेशा कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी इसको, क्योंकि इसका पॉइंट दिया हुआ है माइनस 1, 3, 1, और इसकी डायरेक्शन दी हुई है 2, 3, -1, तो मेरा पॉइंट आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा जी एक्स प्लस 1, क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 अपॉन डायरेक्शन एक्स की है 2 इज इक्वल टू वाई, ये है 3 नेक्स्ट में y माइनस 3 अपॉन डायरेक्शन भी इसकी 3 दी हुई है इज इक्वल टू z माइनस k, ये सॉरी k का कोफिशिएंट ये 1 है अपॉन ये कितना है k का कोफिशिएंट माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा करके ये मेरी लाइन आ गई, और यहां पर मुझे पॉइंट p दिया हुआ है 5 4 2,
इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम है जो मुझे निकालना है, वो तो अभी हमने अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन आज किया है इस लेक्चर का बिल्कुल वैसे ही निकल आएगा ये। और उसके बाद ये पी पॉइंट की इमेज है पी डैश। अब ये देखिए जो एम पॉइंट है ना, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश। तो एम निकल जाएगा तो पी डैश भी हम इजिली निकाल लेंगे। आई थिंक द एल्गोरिथम इज क्लियर। अब हम इसको एक बारी करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो। हाँ जी, देखिए जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्वेश्चन वही यहाँ पर किया हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या किया है, ये जो आपका लाइन दी हुई है, सबसे पहले हमने क्या किया है, इस लाइन को इस कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया जैसा मैंने अभी पीछे लिखा था। फिर हमने ये जो पॉइंट एम है, ये जो परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट एम को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कैलकुलेट किया जैसा मैंने अभी पीछे बाकी दो क्वेश्चंस में सिखाया, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पर x plus 1 upon 2 is equal to lambda है, तो x is equal to 2 lambda minus 1 आ गया। ऐसे ही ये y minus 3 upon 3 is equal to lambda करोगे तो y भी और z आपने कैलकुलेट कर लिया, तो पॉइंट एम आ गया आपका। और जो पी एम है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन रेश, इसका लाइन का डायरेक्शन क्या है, 2 माइनस 3। डायरेक्शन रेशो क्या है, 2 माइनस 3, सॉरी 2 प्लस 3 माइनस 1, 2 प्लस 3 माइनस 1 है ये रहा, 2 प्लस 3 माइनस 1। और पीएम का डायरेक्शन रेशो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, पी एंड एम को सब्ट्रैक्ट करके पीएम का डायरेक्शन रेशो भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए पीएम का डायरेक्शन रेशो भी हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया है, ये देखिए ये माइनस करके यहाँ पर PM का डायरेक्शन रेशो P और M को सब्ट्रैक्ट करके। अब PM परपेंडिकुलर टू लाइन है, इसलिए A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0 हो जाएगा इससे, ठीक है। अब इसके बाद आपने लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा की वैल्यू M में पुट करते हैं, पॉइंट M आ गया, ठीक है। अब पॉइंट, अभी इसने ना एक्चुअली लेंथ ऑफ PM भी पूछा था, तो जब आपके पास M आ गया, P भी है आपके पास, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अभी क्वेश्चन इट्स नॉट It has not got over here. इसमें अभी हमसे इमेज भी पूछा है, ठीक है। तो ये हमारी लाइन थी, ये पॉइंट P था, तो इसका इमेज यहाँ पर है P dash, जो कि यहाँ पर जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M, तो अब ये M हमारा मिड पॉइंट आ गया PP dash का। तो M तो अभी आपने कैलकुलेट कर लिया, ये 160 है, 160 है। और आपका पॉइंट पी भी ऊपर गिवन है, अगर आप देखो तो पॉइंट पी बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, 542, ठीक है। इसको हमने x1 y1 z1 माना हुआ है, x1 y1 z1, तो हमें बताया कि इसका और इसका मिड पॉइंट ये m है, ठीक है। तो 5 plus x1 upon 2 is equal to किसके होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इज इक्वल टू 1 है, तो ऐसे x1 निकल जाएगा, ऐसे y1 निकल जाएगा, ऐसे z1 निकल जाएगा। इट मींस यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ योर पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर इमेज आल्सो। ये देखिए ये किया ना यहाँ पर 160, यानी कि ये किसके इक्वल है, इन दोनों के मिड पॉइंट के इक्वल है। तो हमने इसका मिड पॉइंट निकाला पीपी डैश का ये, और उसको 160 के इक्वल रख दिया, कंपेयर कर लिया, एंड यू गॉट द points of the image, and this is very 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 important question I'm telling you from the board examination point of view also. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस एंड हेंस डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हुई है, आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले आप देखिए वेदर द गिवन लाइंस हैव बीन गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। देखिए पहली लाइन जो है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड के कोफिशियंट जो है वो प्लस 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 वन दिए हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरी लाइन में भी x माइनस 3 अपॉन 4 है, y माइनस 3 अपॉन 6 है, z प्लस 5 बाई 12, उसमें भी x y z के कोफिशियंट प्लस में है, प्लस वन सॉरी प्लस वन है, तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ठीक है, हमें कोई लिखने में इसमें वेक्टर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पहली लाइन का पासिंग पॉइंट देखिए, यहाँ पर है माइनस 1 माइनस 2 4, तो इसका पासिंग पॉइंट हो जाएगा 1 2 माइनस 4 पहली लाइन का। तो इसका जो ए वेक्टर बनेगा, ये एक्चुअली आप पहले लिखिए कि
वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन होती क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब ए क्या होता है, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये रहा पासिंग पॉइंट हमने निकाल लिया उसका। तो दिस इज वन ए कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर के कैप, ये ए वेक्टर हो गया। उसके बाद बी वेक्टर होता है डायरेक्शन, जो कि डिनोमिनेटर, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि लाइन की डायरेक्शन हमेशा डिनोमिनेटर में होती है। तो टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप, ये हो गया फर्स्ट लाइन का वेक्टर फॉर्म। अब सेकेंड लाइन का वेक्टर फॉर्म पर आइए। सेकेंड लाइन में देखो इसका ये ऊपर पासिंग पॉइंट अगर देखो यहां से मिलेगा आपको, ये है माइनस थ्री माइनस थ्री फाइव, तो पासिंग पॉइंट बनेगा थ्री थ्री माइनस फाइव। ठीक है, पासिंग पॉइंट थ्री थ्री माइनस फाइव आ गया और डायरेक्शन ये है फोर सिक्स ट्वेल्व, फोर सिक्स ट्वेल्व। तो ये आपका जो सेकेंड लाइन है वो है ये पासिंग पॉइंट, यानी कि थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव कैप प्लस म्यू, और ये फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस ट्वेल्व के कैप। तो हमने दोनों जो लाइन्स हैं उनका क्या कर लिया है, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब हमें बोला गया यू आर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स। अभी एक चीज आप नोट कर रहे हो, यहाँ पर ये मेरी फर्स्ट लाइन है, ये मेरी सेकेंड लाइन है। फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, टू थ्री सिक्स, सेकेंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो फोर सिक्स ट्वेल्व। एंड इफ आई टेक आउट टू कॉमन, ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं, टू फोर थ्री सिक्स सिक्स ट्वेल्व है कि नहीं, दिख रहा है ना, सेम है। अगर मैं इसमें से टू कॉमन निकालती हूँ तो ये भी टू थ्री सिक्स बन जाता है। ओके, तो बल्कि आप इसका टू बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पर टू थ्री सिक्स ही लिखिए। ओके, तो ये दो लाइन्स हैं जो पैरेलल, तो ये दो लाइन्स का जो डायरेक्शन है, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइन्स, एक दूसरे के पैरेलल हैं ये दोनों लाइन्स। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये दोनों लाइन्स की जो डायरेक्शन है वो प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स का फॉर्मूला ये होता है ए टू माइनस ए वन डॉट बी डिवाइडेड बाई, सॉरी दिस इज नॉट बी, डॉट बी नहीं है यहाँ पर, ये क्रॉस बी है, सॉरी इसको मेक द करेक्शन, दिस इज क्रॉस बी। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिए, ये क्रॉस बी है, दिस इज क्रॉस बी। ओके, क्रॉस बी, तो हमने क्या किया है, पहले ए टू माइनस ए वन को कैलकुलेट करना है। मैं आपको बता देती हूँ, आप देख लीजिए आपका ए टू माइनस ए वन ये लिखा हुआ है, पासिंग पॉइंट था फर्स्ट का, फिर पासिंग पॉइंट सेकेंड का। तो अगर आप ए टू माइनस ए वन अगर यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा टू आई कैप प्लस जे कैप, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप करके देखिए, ये देखिए थ्री माइनस वन टू आई कैप आ गया, थ्री माइनस टू जे कैप आ गया, माइनस फाइव प्लस फोर माइनस के कैप आ गया। ठीक है जी, अब उसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको बी के साथ, ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी। तो बी यानी कि ये जो दोनों का ये और ये, इन दोनों में देखिए। ठीक है, तो आपकी कॉमन करके जो निकला था वो टू थ्री सिक्स ही निकला था ना इसमें से, क्योंकि टू कॉमन निकल रहा था, तो टू थ्री सिक्स, तो टू थ्री सिक्स के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, तो आप टू आई कैप प्लस जे, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के इसके साथ टू थ्री सिक्स आई जे के, ये क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया हमने इसके साथ, किसके साथ, ये ए टू माइनस ए वन है, ये देखिए ए टू माइनस ए वन ये वाला क्रॉस किसके साथ किया है, बी वन वेक्टर यानी इसके साथ। तो हमारा ये आंसर आया है, क्या है, नाइन आई कैप माइनस फोर्टीन जे कैप, कैलकुलेट करके देख लीजिए, प्लस फोर के कैप आएगा ये आपका। ठीक है जी, ये आया आपका। अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, बी वन जो था आपका वेक्टर उसका नीचे डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, सेवन आएगा। ठीक है, अब आपका जो ये है ए टू, यहां पर देखिए ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी वन करके ये जो आया है, इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, इसका भी ऊपर मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 20 297। तो इसको कैलकुलेट करके आप कंप्लीट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, फाइनली जो आंसर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 297 डिवाइडेड बाय 7 यूनिट्स, क्या आएगा, यू डू इट योरसेल्फ, ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है, आप देखिए आपका यही आंसर आना चाहिए। अभी देखिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं अपने स्टेप्स को।
ठीक है। अब इसके बाद हम आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब हम प्लेन के क्वेश्चंस पर आ गए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू गिवन पॉइंट प्लेन्स। देखो इसमें बोला गया मुझे ये दो प्लेन्स निकाल, ये सॉरी, ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, और दो प्लेन इसके परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। ये प्लेन भी इसके परपेंडिकुलर है और ये वाला प्लेन भी इसके परपेंडिकुलर है। ये दो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन? एक पासिंग पॉइंट, एक उसका नॉर्मल, ठीक है ना। तो अभी ये देखो, प्लेन का पासिंग पॉइंट तो हमें दिया है, x1 y1 z1 is given। अच्छा, ये प्लेन का नॉर्मल भी पता है, क्योंकि जब भी किसी प्लेन की इक्वेशन दिया तो उसका नॉर्मल दिया है, तो इसका नॉर्मल भी दिया है, और मेरे प्लेन का नॉर्मल इन दोनों के नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो प्लेन का नॉर्मल है और इस प्लेन का जो नॉर्मल है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मेरे प्लेन का नॉर्मल निकल जाएगा। यानी कि n वेक्टर, मुझे एक तो n वेक्टर चाहिए, क्योंकि n वेक्टर कैसे निकलेगा? फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्रॉस सेकेंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। और पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये देखो, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो हमारे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। और हमारे प्लेन का पासिंग पॉइंट भी आपको पता है, तो इसको यानी कि हम क्या करते हैं, x माइनस, इसको x माइनस पासिंग पॉइंट क्या है 1, y माइनस पासिंग पॉइंट क्या है 1, z माइनस पासिंग पॉइंट क्या है -1, तो इसको लिखते हैं +1। यहाँ पर पहले वाले प्लेन का, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस लेना है ना, तो क्रॉस लेने के लिए सेकेंड रो में डिटर्मिनेंट लेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वल टू 0। तो पहले वाले प्लेन का 1 2 3 नॉर्मल निकला, और दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4। आप इसको सॉल्व कीजिए, डायरेक्टली यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। ध्यान रखना है हमें क्या चाहिए, प्लेन का पासिंग पॉइंट, ठीक है। फिर जो प्लेन प्लेन का नॉर्मल निकालना है, कभी भी हमें अपने प्लेन का जो नॉर्मल निकालना है, ठीक है, मुझे अपने प्लेन का ये नॉर्मल निकालना था, तो इसके लिए मुझे ये उस प्लेन, ये वाले प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन है जो, उनका मैंने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया उन दोनों डायरेक्शंस का, तो अपने आप मेरे पास मेरे प्लेन का नॉर्मल निकल जाएगा। सॉल्व इट एंड डू इट योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन गुजरता है, तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड प्लेन। वही किया है हमने, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0 करके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हमने अलग कर लिए। अभी देखो मेरा जो प्लेन है, ये मेरा प्लेन है जो मुझे चाहिए, वो इस लाइन के जिसकी डायरेक्शन रेशो 2 4 5 है, मेरा प्लेन क्या है, मेरा प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। यानी कि मेरे प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस लाइन की डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मेरा जो प्लेन है, ये अभी मैंने कैलकुलेट किया, ये इसको निकाला है, मेरा प्लेन तो ये है, और मेरे प्लेन का नॉर्मल क्या निकला है, 5 प्लस 2 लैम्डा। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स मेरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हैं, वो क्या निकले हैं, 5 प्लस 2 लैम्डा, फिर -3 प्लस लैम्डा, और नेक्स्ट क्या है आपका, 4 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा। ये मेरे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ माय प्लेन इसके, और मेरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है। अब ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, यानी दिस इनटू दिस
प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, लैम्डा की वैल्यू निकाल कर अब इस प्लेन में पुट कर दीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। डू इट योरसेल्फ। हाँ जी, देखिए अब नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है वो ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 2, 2, 1 एंड 9, 3, 6 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x प्लस 6y प्लस 6z इज इक्वल टू 1। समझिए क्वेश्चन क्या है कि मैं यहां पर भी एक मेथड से किया है, मैं आपको दूसरे मेथड से करा रही हूँ। जरा देखो, आपको बोला गया है कि ये एक प्लेन है जो कि दो पॉइंट से पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन निकालो। इस प्लेन का एक पॉइंट आपको गिवन है 2, 2, 1। क्या पॉइंट गिवन है इसका? 2, 2 एंड 1। एंड द सेकेंड पॉइंट इज गिवन 9, 3 एंड 6। पहला पॉइंट 2, 2, 1, दूसरा पॉइंट है सपोज यहां पर, ये पॉइंट यहां पर था, ये पॉइंट है 9, 3, 6, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन हमें गिवन है, ठीक है, और जो प्लेन हमें गिवन है उसकी इक्वेशन है, उसकी इक्वेशन लिख रहे हैं 2x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल टू 1, यानी इसका जो नॉर्मल है वो ये है 2, 6, 6, ठीक है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल है, ओके, ये नॉर्मल वेक्टर है इसका। अब मुझे बोला गया है इस प्लेन की, किस प्लेन की, जो कि मैं ब्लैक कलर से कर देती हूँ इसको, ये वाले प्लेन की आप इक्वेशन निकालो। देखो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए याद करो, हमेशा एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है हमें प्लेन का, और दो प्लेन के अंदर की ही डायरेक्शन या प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन चाहिए होती है, और वो आप लगाइए और सीधा कर लीजिए। देखिए तो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी x माइनस पासिंग पॉइंट 2, एक को इसको मैंने फर्स्ट पासिंग पॉइंट ले लिया, y माइनस 2 z माइनस 1, ठीक है। अब सेकेंड में क्या लूंगी मैं, सेकेंड में मैं इसी प्लेन के अंदर की डायरेक्शन, तो कोई भी डायरेक्शन रेशियो, तो अगर देखो मैं ये दो पॉइंट्स को मिलाती हूँ तो इनकी डायरेक्शन रेशियो प्लेन की ही तो डायरेक्शन रेशियो है, तो 9 माइनस 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 9 माइनस 2 प्लेन के अंदर की डायरेक्शन मिल गई, 3 माइनस 2 एंड 6 माइनस 1 ये मिल गया। उसके बाद तीसरी डायरेक्शन मुझे प्लेन के अंदर तो दिख नहीं रही, लेकिन प्लेन के पैरेलल मुझे जो दिख रही है ये नॉर्मल की डायरेक्शन, जो कि मेरा जो ये सेकंड प्लेन दिया हुआ है, सेकंड प्लेन का जो नॉर्मल है वो मेरे रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल है। तो मैंने क्या बोला था, मुझे प्लेन के अंदर का एक पॉइंट चाहिए, वो मैंने यूज किया फर्स्ट रो में, फिर प्लेन के अंदर की डायरेक्शन या प्लेन के पैरेलल की दो डायरेक्शन, तो एक प्लेन के अंदर की डायरेक्शन है वो मैंने लिख दी, आपने देखा सेकंड रो में, और एक प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन भी दिख रही है वो मुझे, वो हमने थर्ड रो में लगा दी। सेकंड रो थर्ड रो को आप इंटरचेंज करना चाहे आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जब अब इसको सिंप्लीफाई करती हूँ डिटरमिनेंट मेथड से, x माइनस 2 इनटू दिस इज हाउ मच, दिस इज 3 माइनस 2 1 इनटू 6 इज 6, 5 इनटू 6 इज 30, फिर माइनस y माइनस 2 इनटू, अब ये बन गया आपका 7, 6 42 माइनस, और ये बनेगा 5, 2 10 प्लस z माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आप 7 into 6 42 माइनस 2 into 1 is 2 इक्वल टू 0। तो ये आया आपके पास x माइनस 2, ये 30 minus 6 is 24 माइनस y माइनस 2 इज हाउ मच 32 एंड प्लस z माइनस 2 इज 40,
सॉरी हाँ इंटू 40। अब ये ना 24, 32 एंड 40 ये ना आपके मल्टीपल्स हैं किसके, 8 के। तो आप 8 कॉमन निकाल के इसको लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा तो 3x माइनस 6, और यहाँ आएगा 4 तो माइनस 4y, 4 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8, और यहाँ आएगा 5z माइनस 10 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 8 तो 0 ही हो गया, दिस इज 3x माइनस 4y प्लस 5z, दिस इज प्लस 2 एंड दिस इज माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो क्या बनी हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन, जरा याद रखना इसको, ये बनी है हमारी 3x माइनस 4y, दिस इज 3x माइनस 4y प्लस 5z। एक मिनट, इसको एक बार कैलकुलेशन आप दोबारा से एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा से, दिस इज x माइनस 2, y माइनस 2, z माइनस 1 एंड दिस इज 9 माइनस, ये पॉइंट क्या था आपका, 2 टू 1 था ना, 2 टू 1 था, 2 टू 1, तो 9 माइनस 2 इज 7। मैं यहाँ पर 7 लिख देती हूँ, एक मिनट इसको हटा के मैं यहाँ पर 7 कर देती हूँ, 9 माइनस 2 ये 7 आ गया, ठीक है, ये आया 7, ठीक है। और उसके बाद 3 माइनस 2 आपका 1 बना, इसको मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ, ठीक है, ये बना आपका 1। और यहाँ पर 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 आएगा, है ना। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आया आपका x माइनस 2, ये आ गया 6 माइनस 30, फिर y माइनस 2, 42 माइनस 10 ठीक है, प्लस z माइनस 1, दिस इज 42 माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 दिस इज माइनस, ओहो यहाँ माइनस 24 आना था, ये माइनस 24 आएगा, ओके यहाँ से गलती हो गई, माइनस 24 आता है तो ये माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा ये, है ना, ओके। अब ये माइनस 3x आएगा, माइनस 3x, ओके माइनस 4y, ये भी ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या बना, दिस इज प्लस 6, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया था ना, माइनस ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है जी, ये ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस है इसके साथ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, यहाँ तो ये प्लस 6 प्लस 8 14 माइनस 10 ठीक है। तो ये यहाँ थोड़ा सा और कैलकुलेशन में थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, ये कितना है, माइनस 4 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8 एंड दिस इज 5 इंटू माइनस 2, एक बार इसको कैलकुलेट करके इसको चेक करके ये आपका थोड़ा चेंज होगा, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आपकी निकल आएगी, ठीक है। अभी इसमें यहां पर कैसे किया हुआ है इसमें देखते हैं, यहाँ दूसरे मेथड से कर रखा है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो, किस मेथड से यहाँ पर कर रखा है। देखिए यहाँ पर कर रखा है कि जो आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है हमें, उसके नॉर्मल की डायरेक्शन पता नहीं, हमने इसके जो इसका नॉर्मल है इसको एबीसी मान लिया, ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का, तो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स माइनस पासिंग पॉइंट इंटू नॉर्मल का डायरेक्शन प्लस वाई माइनस टू नॉर्मल का डायरेक्शन प्लस जेड माइनस दिस पासिंग पॉइंट वन, मैंने इसको फर्स्ट पासिंग पॉइंट लिया आपका, ठीक है ये ले लिया। अब इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस प्लेन पासिस थ्रू दिस पॉइंट आल्सो, इस पॉइंट से पास करता है, तो ये जो पॉइंट है आपका ये जो 936 जिससे ये पास कर रहा है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप एक्स वाई जेड की जगह 936 पुट कर दीजिए तो आपकी एबीसी में इक्वेशन आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। अच्छा दूसरी बात हमें ये पता है कि ये जो हमारा प्लेन है जो हमें चाहिए दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस गिवन, That is perpendicular to this plane. वो इस plane के perpendicular है। तो इस plane का जो normal है और मेरे plane का जो normal है ABC, उनका A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 zero होगा, क्योंकि
क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो हमने जो दूसरे वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, इसके डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के हैं 266, और मेरे वाले के क्या है, एबीसी जो मुझे चाहिए, तो 2 into A + 6 into B + 6 into Z = 0 होगा, 6 into C 0 होगा। अब मेरे पास एबीसी में दो इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी आई एबीसी में इक्वेशन, एक तो आ गई 7A + B + C = 0 और दूसरी मेरी इक्वेशन आ गई 2A + 6C + 6C = 0। और जब ये इक्वेशन आती है तो इनको सॉल्व कैसे करना है, ये देखो मुझे एबीसी निकालना है, एबीसी फर्स्ट रो में लिखिए, ठीक है। अब जो मेरी पहली इक्वेशन आई थी एबीसी में वो क्या थी, 7A 1B 5C, इसमें एबीसी के कोफिशिएंट्स क्या है, 715, वो लिख दीजिए यहाँ पर 715। और दूसरी जो एबीसी में इक्वेशन आई है वो है उसके कोफिशिएंट एबीसी के 266, वो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका a अपॉन जैसे हम a को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से इज इक्वल टू करके फिर माइनस b अपॉन जैसे b को कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट में वो लिखा, फिर c अपॉन जैसे c को करते हैं वो करके आपने ये किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आया, ठीक। तो ये इसमें से माइनस कॉमन निकाल के हमने क्या किया, वो इधर म्यू के साथ कर दिया, वो इस तरीके से किया है। तो और यहाँ से आपका 8 कॉमन निकल रहा था, -8, ठीक है, वो हमने लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके वो म्यू लिख दिया, ओके। अब इसके बाद ये जो वैल्यू आई, ए की जगह 3 म्यू, बी की जगह 4 म्यू, सी की जगह -5 म्यू, यू आर टू पुट दिस वैल्यू ऑफ ए बी सी हियर इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करके यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आप इस तरीके से भी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं, आप जैसे मैंने आपको पहले मेथड बताया उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दीज आर द टू मेथड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दिया है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1, 2, 3 ऑन दिस line x - 6/3 = y - 7/2 is equal to z - 7/-2. Also obtain the equation of the plane obtaining this line and this point. क्या दिया है समझिए पहले तो। आपको बोला गया है कि आपके पास एक पॉइंट है 1, 2, 3, ठीक है, ये पॉइंट हमने पॉइंट P के नाम से ले लिया। अब एक लाइन है यहां पर, ये वाली जो लाइन आपको गिवन है, ठीक है, ये वाली लाइन है, और इस लाइन से यहां तक का आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि अगर आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, ये पॉइंट M आपको पता करना है, जो कि हम अभी आज जो फर्स्ट इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी यही हमने पॉइंट इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। अब उसके बाद इसमें फर्दर एक क्वेश्चन को और जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया है कि अब एक प्लेन की भी इक्वेशन बनाइए जो कि इस लाइन को कंटेन कर रही है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन आल्सो व्हिच इज कंटेनिंग दिस लाइन, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंट कैसे निकालना है, यू नो आपने ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लाइन आपकी गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इज इक्वल टू लैम्डा करके आपने पॉइंट एम जो है वो लैम्डा की टर्म्स में ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ से ये आपको अच्छे तरीके से अब आता है कि कैसे करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने ये जो पी एम है इसका डायरेक्शन रेशियो निकाला, पी पॉइंट पता है, एम अभी हमने निकाला है, तो PM का डायरेक्शन रेशियो दोनों को माइनस करके यहां पर देखिए ये आपने PM का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, ये आ गया। और ये जो लाइन आपको गिवन है नीचे, ये वाली जो लाइन गिवन है ये, इसका डायरेक्शन रेशियो 3:2-2 है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए A1A2 + B1B2 + C1C2 आपका क्या हो जाता है, यहां पर 0 हो जाता है, ठीक है। वो करके आपने यहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या आएगी, देखिए इसमें क्या करेंगे आप, A1A2 + B1B2 + C1C2 = 0। A1 क्या है, PM के डायरेक्शन रेशियोज A1B1C1, और A2B2C2 क्या है, ये जो लाइन है नीचे आपकी, ये वाली जो लाइन है जो कि हमें ये गिवन है, ये वाली लाइन जो गिवन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज है 3:2-2। तो इनको जब आप करते हो यहां पर 3 into
ये क्या आया था अभी, पीएम का 3 लैम्डा प्लस 5, फिर 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 5 प्लस, फिर -2 इंटू -2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी -1। ठीक है जी, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये रहा पॉइंट एम, ये रहा पॉइंट एम। इसमें लैम्डा की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे -1, तो आपका पॉइंट एम आ जाएगा। पॉइंट एम क्या आया है वैल्यू पुट करने के बाद, 3, 5 एंड 9, 3, 5 एंड 9 आएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या रह गया है, अब रह गया है क्वेश्चन इस प्लेन की इक्वेशन को निकालना। ठीक है, अब इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक पासिंग पॉइंट चाहिए, एक प्लेन का पासिंग पॉइंट एम पता चल गया, और इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो पीएम है, पीएम क्या है, इसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन रेशियो, चलो पीएम में पुट करो भाई, पीएम में पुट करो, ये परपेंडिकुलर, ये -1 पुट करेंगे तो 3 इंटू -1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 2। ओके, फिर 2 इंटू -1 -2 प्लस 5 ये आ गया 3। ये एन वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो हो गई, जो हमें प्लेन चाहिए ना उसके एन वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो। फिर आप दिस इज -2 इंटू -1 प्लस 2 प्लस 4 ये हो गया 6। ठीक है, अब पासिंग पॉइंट भी पता चल गया, ये पॉइंट एम आपका पासिंग पॉइंट 359 है, तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं कैसे, x-x1 into a, तो x1 कितना है 3 into a यानी नॉर्मल की डायरेक्शन 2, प्लस y-y1 यानी पासिंग पॉइंट 5 into b, प्लस z-z1 into c, c यानी कि ये 6 इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 3y प्लस 6z, इसको x y z को पहले लिख लो, 2x प्लस 3y प्लस 6z, ठीक है, यह है 2x प्लस 3y प्लस यह है। अब इसके बाद क्या आएगा, आप यहां पर देखिए इसमें -6 -15 -6 -15 एंड दिस इज -54 इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, एक बार आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती होगी, ऊपर अभी क्वेश्चन हमने देखा नहीं, इस क्वेश्चन में क्या गिवन था एक्चुअली कि हमें जो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है ये वाले प्लेन की इक्वेशन नहीं बनानी थी, बल्कि हमें ये जो 1, 2, 3 से जो प्लेन गुजरेगा वो निकालना था। हमने क्वेश्चन रीड करने में यहाँ तक तो हमारा ठीक है बिल्कुल, कि हमारा ये पॉइंट एम निकल आया यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। उसके बाद क्या था, एक मिनट दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन को, एक्चुअली देखना पड़ेगा इसमें क्वेश्चन में क्या था, एक बार हम दोबारा से क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन में था, लेट अस सी व्हाट वाज देयर इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में था कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो तो हमने निकाल लिया, ये पॉइंट एम 359, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट 1, 2, 3 ऑन द लाइन दिस, एंड ऑल्सो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन एंड द पॉइंट 1, 2, 3। अच्छा, 1, 2, 3 से जो पॉइंट प्लेन पास होगा, और हमें ये वाला पॉइंट भी चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ये पॉइंट चाहिए और ये, ठीक है ओके। तो इसके लिए अब हम कैसे करेंगे, लेट अस सी, देखिए क्वेश्चन क्या था, इसमें बोला है कि परपेंडिकुलर तक तो निकालिए, उसके बाद बोला है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, कौन सी वाली, ये वाली लाइन, इस लाइन को कंटेन करे, ठीक है, एंड इस पॉइंट को भी कंटेन करे, यानी हमारा जो प्लेन है वो इस पॉइंट पी को कंटेन कर रहा है, यानी पी इज द पासिंग पॉइंट, ठीक है, प्लेन का, और वो इस लाइन को कंटेन कर रहा है, यानी कि ये जो लाइन की डायरेक्शन है वो मेरे प्लेन के अंदर ही लाई करती है,
और अगर हमने पॉइंट एम निकाल लिया अभी जैसे भी निकाला है, तो ये पीएम भी इसी के अंदर लाई करती है। तो पी एम एक लाइन है और ये लाइन को मैं मान लेती हूँ एल, ये जो लाइन एल है दैट ऑल्सो लाई इन द प्लेन। तो अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था वो यही कराया था कि फर्स्ट रो में एक्स माइनस द पासिंग पॉइंट ऑफ द प्लेन, वाई माइनस द पासिंग पॉइंट ऑफ द प्लेन, जेड माइनस द पासिंग पॉइंट ऑफ द प्लेन, ये जो मैंने पुट कर दिया। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एम, पी भी पता है एम भी पता है। पी क्या है 1 2 3, और एम तुमने 3 5 9 निकाला है। या तो आप पी एम इसको माइनस करके निकाल लो, इसको भी माइनस करके निकाल सकते हो आप। पीएम की डायरेक्शन रेशियो वैसे यहां से निकाल लीजिए हाँ, लेकिन मैंने यहां पर ली है किसकी डायरेक्शन रेशियो, इसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो ले ली। एक्चुअली ये पॉइंट हमने इस लाइन का पॉइंट से ले लिया। आप ऐसे भी करो इसको, इसको आप हम रब कर देते हैं, ये पीएम की डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं क्योंकि पीएम इसी में है। मैंने ऐसे माना था एक्चुअली, जो मैंने किया था वो ये किया था कि ये जो लाइन है इसका पासिंग पॉइंट भी तो इसी के अंदर लाई करेगा ना इस प्लेन में। चलो हम पीएम की डायरेक्शन रेशियो लेते हैं। तो पीएम की डायरेक्शन रेशियो एम पॉइंट क्या आया है 3 5 9, तो ये आएगा 3 -1 2, 5 -2 3, एंड 9 -3 6। ठीक है, और थर्ड रो में मैंने लिया ये जो लाइन एल है ये भी तो इसी प्लेन में लाई करती है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो में एक्स माइनस पासिंग पॉइंट, वाई माइनस पासिंग पॉइंट, जेड माइनस पासिंग पॉइंट, सेकेंड रो में होता है प्लेन का ही डायरेक्शन, प्लेन के अंदर किसी लाइन का डायरेक्शन। तो पीएम लाइन इसी प्लेन में उसकी डायरेक्शन ले ली, और उसके बाद ये जो लाइन है एल उसका डायरेक्शन ये देखो, ये 3 2 -2 वो ले लिया इक्वल टू 0। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है वो देखना है हमें। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके इसको ये आएगा जिससे कि हमारी इक्वेशन बनेगी, आप नोट कर लीजिए, 18x -22y +5z +11 = 0। देखो बुक्स में बहुत बड़े बड़े मेथड्स दे रखे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए, बस मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताया है जिसमें आपको प्लेन का एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, जो कि फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड में से आपको उन कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके लिखना है, और सेकेंड रो में प्लेन की ही डायरेक्शन या प्लेन के पैरेलल की डायरेक्शन, थर्ड रो में भी प्लेन की ही डायरेक्शन या कह लो प्लेन के पैरेलल, प्लेन के अंदर कंटेनिंग कोई लाइन है उसकी डायरेक्शन या फिर प्लेन के पैरेलल कोई लाइन है उसकी डायरेक्शन चाहिए। आप ये पुट करके सॉल्व करो डिटरमिनेंट, यू विल डायरेक्टली गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके जी, हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आ रहे हैं जिसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, दो लाइंस दी हुई है और हमें बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन एंड आल्सो फ्रॉम द पॉइंट 1 1 1। ठीक है, इस जो भी प्लेन हमारा बनेगा उसकी ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है और पॉइंट 1 1 1 से उसकी क्या डिस्टेंस है आपको ये निकालना है। ठीक है, अच्छा चलिए करते हैं शुरू, लेकिन हम ना समझ लें पहले कि उसने बोला कि ये एक प्लेन है। अगर मैं इसको आपको फिगर की हेल्प से दिखाने की कोशिश करूं कि ये प्लेन है और इस प्लेन में ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, और आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें ये दो लाइंस लाई करती है। तो मैंने आपको क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर मुझे एक प्लेन का एक पॉइंट पता हो और उसके अंदर की दो लाइंस पता हो। अगर फिगर में आप देख रहे हो ये दो लाइंस, ये वाली जो दो लाइंस है, ये फर्स्ट लाइन ये सेकेंड लाइन, ये जो दो लाइंस है इस प्लेन की है, तो इस प्लेन इस ये वाली पॉइंट कह लीजिए चाहे ये वाला पॉइंट कह लीजिए, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस के ही पॉइंट्स हैं और ये दोनों लाइंस इस प्लेन में लाई करती हैं, तो इट मीन्स दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन ऑल्सो, ये प्लेन के भी पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट है 1 1 0, तो ये जो पॉइंट है 1i कैप +1j कैप पोजीशन वेक्टर जो दिया पॉइंट का +0k कैप यानी कि 0.110 आ गया आपके पास, ये मेरा प्लेन का पॉइंट है। तो मैं इसको प्लेन को मैंने क्या बोला था, एक जो पासिंग पॉइंट है प्लेन का, डिटरमिनेंट मेथड से मैं आपको जल्दी से करके इसको कराने की कोशिश करूंगी, इक्वल टू 0 पहले लगा दूं। सेकंड रो में क्या आता है, इस प्लेन के अंदर जो लाइन है उसकी डायरेक्शन या उसके पैरेलल की कोई डायरेक्शन। तो ठीक है, प्लेन में जो लाइन है उसकी डायरेक्शन है 1 2 -1 1 2 -1। अब जो सेकेंड लाइन है वो भी इसी प्लेन में लाई करती है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है यहां पर देखते हैं, -1 1
माइनस वन वन एंड माइनस टू, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करके क्या आता है, एक्स माइनस वन इंटू दिस इज माइनस फोर एंड प्लस वन, सिंप्लीफाई करते हैं अभी हम इसको, तो देखिए ये हमने इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गई, माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड और ये माइनस थ्री प्लस थ्री कर गया इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये यानी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, इक्वेशन फाइनली क्या बन गई, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो बन गई, ये मेरी इक्वेशन ऑफ द प्लेन बन गई, आप देख लीजिए, ठीक है जी। अब मैं चेक करती हूँ कि यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर हमने दूसरे मेथड से कर रखा है, इसमें क्या किया कि मैंने ऐसे करने की कोशिश की है कि देखिए ये दो लाइंस हैं और उन दो लाइंस की दोनों की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी तो मेरा जो प्लेन है उसका नॉर्मल निकल आया और किसी भी एक लाइन का पॉइंट को मैंने पासिंग पॉइंट करके लेके इक्वेशन ऑफ द प्लेन बना दिया और यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई, ये यहाँ पर यही लिया हमने। अब डिस्टेंस फ्रॉम वन 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 आपने निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए ये वाला, ठीक है, ओरिजिन से और इसका आप डिस्टेंस निकाल दीजिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जीरो है क्योंकि अब जीरो 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 से पुट करते हैं तो जीरो 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 आ जाएगा सारे में, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज जीरो, ठीक है, बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये प्लेन आपका ओरिजिन से ही पास कर रहा है क्योंकि इसमें आपको कॉन्स्टेंट नहीं दिखाई दे रहा कोई भी, तो ये प्लेन ओरिजिन से ही पास कर रहा है इसलिए इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जीरो है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम वन 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 आई हैव कैलकुलेटेड, यू कैन चेक इट, डू योर सेल्फ एंड चेक द कैलकुलेशन। लेट अस टेक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, रादर आई शुड से दिस चैप्टर, इसमें है फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इन पैरेलल टू दिस लाइन, अरे सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, अगर वैसे तो इस यहाँ पर दूसरे मेथड से जो किया लेंथी है लेकिन जो मैंने अभी आपको मेथड समझाया कि डिटर्मिनेंट मेथड में अगर आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं तो सबसे पहले एक्स माइनस पासिंग पॉइंट क्या है, वन टू माइनस फोर, एक्स माइनस वन वाई माइनस टू z प्लस फोर, ओके, उसके बाद ये जो प्लेन है उसका पासिंग पॉइंट ये दिया है एंड इट इज कंटेनिंग दीज टू लाइंस, तो मैंने क्या बोला था आपको प्लेन के अंदर का कोई पॉइंट चाहिए, ठीक है, अगर दिया हुआ है वेल एंड गुड, नहीं तो इस प्लेन का ही जो ये दो लाइंस है इन्हीं में से एक लाइन का हम पॉइंट यहां पर यूज कर लेते हैं फर्स्ट रो में, किसी एक का भी, दोनों में से कोई एक, लेकिन जब पॉइंट दिया है सो आई हैव यूज दैट। दूसरा in the second and third row I need to take the directions which lie in the plane, direction of the plane keh lo ke direction of the lines in the plane keh lo ya direction of the line parallel to plane keh lo, theek hai, to yahan to ye lines hain wo parallel lines hain, yani ki yahan mat dikhao aap isko yahan mat dikhao lines ko, ye bola gaya hai ki ye lines jo hain is plane ke parallel hain, to koi baat nahi lines parallel हो या प्लेन में हो हमें उन्हीं लाइंस की डायरेक्शन चाहिए होती है जो लाइन प्लेन के पैरेलल हो, तो ये डायरेक्शन पहली और ये दूसरी, पहली क्या है टू थ्री सिक्स और दूसरी वन वन एंड माइनस वन, ओके वन वन माइनस वन, सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको हम, ठीक है जी। हाँ जी देखिए ये आया आपके पास सॉल्व करके, नाइन माइनस नाइन एक्स प्लस एट वाई माइनस जेड माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो आया था, फिर हमने माइनस कॉमन निकाल के प्लेन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया नाइन एक्स माइनस एट वाई प्लस जेड प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो, तो देखते हैं क्या हमारा जो दूसरे मेथड से निकला है क्या वो भी यही है इक्वेशन, लेट अस सी, इसमें इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा देखते हैं क्या यही है, चलिए ये देखिए सिंप्लीफाई करके आपके पास यही आया नाइन एक्स माइनस एट वाई माइनस जेड प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो, लेकिन ये देखो कितने लंबे मेथड से किया हुआ है और हमारा कितने शॉर्टकट मेथड से हो गया, इसमें हमने क्या किया है पासिंग पॉइंट दिया हुआ था तो एक्स माइनस पासिंग पॉइंट इंटू नॉर्मल प्लस वाई माइनस पासिंग पॉइंट इंटू नॉर्मल प्लस जेड माइनस पासिंग पॉइंट इंटू नॉर्मल इक्वल टू जीरो किया। अब उसके बाद हमने बोला कि सिंस दिस प्लेन इज पैरेलल टू
फर्स्ट लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो है 236. उस 236 क्या है, तो हमने ए बी सी की जगह यहाँ पर 236, ये देखो, ये जो ये फर्स्ट लाइन है ना, और ये मेरी सेकेंड लाइन थी. तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है जो 236, वो इस ये जो मेरा प्लेन है उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ये एक्चुअली ये लाइन थी, सॉरी ये लाइन पैरेलल थी, ये लाइन पैरेलल है, और जो लाइन ये पैरेलल और ये नॉर्मल जो मेरा है इस प्लेन का ए बी सी, और ये जो लाइन की डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इसमें ये ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो किया. और मेरे प्लेन का जो नॉर्मल था वो ए बी सी था, और जो लाइन की डायरेक्शन थी वो आपस में यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया. दूसरी लाइन के लिए भी सेम लगाया हमने. ठीक है, तो ए बी सी में दो इक्वेशंस आ गई. फिर मैंने आपको बताया था कि अगर तीन वेरिएबल्स में इस तरीके से दो इक्वेशंस हो तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. उसको करके फिर आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो भी आपकी ए बी सी की वैल्यूज आएंगी, और सिंप्लीफाई करके इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा. लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, और अगर आप डिटर्मिनेंट मेथड से कर लेंगे तो इजी होता है. अच्छा, एक क्वेश्चन आपको खुद को करने के लिए दे रही हूँ, यू ट्राई इट योर सेल्फ. क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 4, 2, 4 एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू गिवन प्लेन्स. मैं इसका आंसर आपके लिए यहाँ पर लिख के दे रही हूँ. ठीक है, आप इसको खुद कीजिए आंसर, आप वेरीफाई करना कि क्या इसका यही आता है. ये है x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू जीरो, ये इसका. अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म भी आपको निकालने के लिए बोला था, इस क्वेश्चन का आंसर वेक्टर फॉर्म में. तो आप इसको लिखेंगे r वेक्टर डॉट n वेक्टर की जगह क्या आएगा, 9 i कैप, फिर माइनस 8 j कैप, माइनस k k कैप, सॉरी माइनस k कैप प्लस 11 इक्वल टू जीरो, ये इसका वेक्टर फॉर्म बनेगा. ठीक है जी, और इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, ये इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो r वेक्टर डॉट n क्या बनेगा, 1, 2, -3, तो 1 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप प्लस 4 इक्वल टू जीरो है, तो हम इसको इज इक्वल टू माइनस 4 कर देते हैं. या जैसे इधर भी प्लस 11 है तो दूसरी साइड ले जाके उसको माइनस 11 कर दीजिए, तो ये आपका आ गया. ठीक है जी, तो अब इसमें थोड़ा सा करने का मैं तरीका बता देती हूँ. ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देखिए करना कैसे है. क्वेश्चन क्या है पहले तो समझ लीजिए. क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट. प्लेन का पासिंग पॉइंट हमें गिवन है. ठीक है, 4, 2, 4 पासिंग पॉइंट गिवन है इसका. फिर बोला है एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स, ये दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है. तो पहले प्लेन का नॉर्मल क्या है, ये पहले प्लेन का नॉर्मल आ गया. क्या है ये, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप. ठीक है, तो ये हो गया 2, 5, 4. अच्छा, दूसरा प्लेन जो है उसका नॉर्मल क्या है, 4, 7, 6. 4, 7, 6 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द सेकेंड प्लेन. अब ये देखो, ये वाली लाइन कह लो नॉर्मल, चाहे ये वाली लाइन कह लो, मेरे प्लेन के तो पैरेलल है ना. तो फर्स्ट x माइनस पासिंग पॉइंट प्लस y माइनस पासिंग पॉइंट z माइनस पासिंग पॉइंट फर्स्ट रो में आएगा, ये सेकेंड रो में आएगा, ये थर्ड रो में, क्योंकि सेकेंड और थर्ड रो में क्या आता है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके पैरेलल कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन उसके पैरेलल है. डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वल टू जीरो करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तो इसी के साथ हमारा ये पूरा जो लेक्चर है एंड होता है इसका, और ये चैप्टर का भी एंड होता है. ओके जी.